शहर को साफ सुथरा और सुंदर बनाने को लेकर नगर निगम व जिला प्रशासन बड़े बड़े दावे करता आ रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर तो कुछ और ही है। शहर के मध्य स्थित सब्जी मंडी इलाके में अतिक्रमण और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहने से व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे वार्ड नंबर 5 स्थित जैपी मार्केट के चारों ओर कबाड़ियों की दुकान की। जी हाँ, वहां पर अवैध रूप से बड़ी संख्या में ऑटो, टेम्पो, मिनी बसें खड़ी रहती है, साथ ही कबाड़ी और असामाजिक तत्व इनकी आड़ में अवैध कारोबार करते हैं, जिससे जैपी मार्केट में व्यापार करने वाले व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार कचरा बीनने वाले जो लोग हैं वो दुकानों के शटर तोड़कर दुकानों से सामान चोरी कर लेते हैं और इसकी शिकायत उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को भी कर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि सब्जी मंडी इलाके में स्थित जेपी मार्केट के चारों ओर कबाड़ियों की दुकान है, कचरा बीनने वाले और प्लास्टिक बिन वाले वहां पर लोग कबाड़ी का काम करते हैं, नालियों में गंदगी अटी पड़ी हुई है। वहीं अवैध रूप से लोगों ने बड़ी संख्या में अपने वाहनों को सड़कों पर खड़ा किया हुआ है, जिससे जाम के हालात बने रहते हैं। ऐसे में ग्राहक उनकी दुकानों तक नहीं पहुंचते और उनका व्यापार ठप रहता है। कई बार सफाई को लेकर क्षेत्र पार्षद को अवगत करवा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आए दिन असामाजिक तत्वों से परेशान होकर उन्होंने शहर पुलिस अधीक्षक को अवगत करवा दिया, लेकिन हालात जस के तस हैं। और वहीं इसलिए उनकी मांग है कि इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाया जाए, साथ ही इन कबाड़ियों को कहीं शहर से बाहर शिफ्ट किया जाए, ताकि इस क्षेत्र में लोगों को, बाहर से आने वाली जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। भैया, ये शहर के मध्य काफ़ी अच्छा मार्केट है, लेकिन जिस तरह की परेशानी सामने आ रही है, क्या स्थिति है इस पूरे इलाके की? एक तो यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है रात को भी, और दिन में अतिक्रमण होता है, और उसके बाद में पन्नी पीनने वाले इसमें कि यहाँ बैठे रहते हैं, उससे क्या होता है हमारे कस्टमर भी आने में हिचकिचाता है, और इससे अतिक्रमण से क्या होता है पूरी रोड जाम रहती है, तो उससे हमारे यहाँ पर कस्टमर भी आने में थोड़ी सी तकलीफ होती है उसको। तो ये सब समस्या है, इसके जब तक रोड बराबर, जब तक लाइट नहीं जलेगी, अतिक्रमण नहीं हटेंगे, जब तक ये समस्या ऐसी की ऐसी रहेगी। शुभ नाम आपका? हरीश गुप्ता जी। बताए काका जी, क्या समस्या है आपको? एक महीने से तो इधर की सफाई नहीं हो रही है, और गंदगी बहुत पड़ी हुई रहती है, और क्या ये दिक्कत आ रही है, गाड़ियाँ वगैरह आ रही है रोड पर खड़ी करके चल जाती है, अतिक्रमण हो रहा है, तो कोई सुनवाई नहीं कर रहे इन सबकी, कोई नहीं कर रहा। व्यापार भी प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। सुन नाम आपका? हालात को देखकर व्यापार पे कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है, कस्टमर नहीं आता, माहौल ही बाहर का ऐसा रहता है, बहुत मतलब लाइट व्यवस्था नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, बाहर अतिक्रमण बहुत हो रहा है, घूमते। एक सबसे बड़ी समस्या देखिए, गंदगी काफी है पूरे इलाके में, बहुत गंदगी, बहुत इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, कम से कम ग्राहक आया जाए, यहाँ क्या बोलते पार्किंग की व्यवस्था ढंग से नहीं है, पार्किंग ढंग से हो। ये वार्ड कौन सा है ये जी? वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर बता, ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है इंद्रजीत दास। जो यहाँ के हालात है जेपी मार्केट के आसपास के, कितना इससे व्यापार प्रभावित हो रहा है आपका? गंदगी रहती चारों तरफ, गंदी बीनने वाले आगे रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है काफ़ी, व्यापारी को, कस्टमर को आने में परेशानी रहती है, कस्टमर नहीं आ पाते हैं। कभी किसी शिकायत की हो कोई सुधार को लेकर, यहाँ के हालात को लेकर? कल ही आश्वासन दिया, वो शिकायत करिए, आश्वासन दिया जल्दी जल्द। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस पूरे इलाके में मार्केट को? व्यवस्था की व्यवस्था बैठनी चाहिए, यातायात को ट्रैफिक वगैरह रहना चाहिए, ठीक है। नाम बताए आपका? राजकुमार। किस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी है? समस्या ये पन्नी बीनने वालों की बहुत है, उन्होंने काफ़ी अतिक्रमण कर रखा है, और आए दिन नशा करके वहीं आग जलाना, आने जाने वाले व्यापारी और आमजन बहुत परेशान हो रहे हैं इनसे। चोरी की वारदातें भी होती हैं? चोरी भी छुटमुट होती है, कोई बड़ी वारदात भी हो सकती है। सफाई को लेकर भी कोई व्यवस्था नहीं है आसपास पूरे इलाके में? सफाई में भी नहीं है कुछ भी, बहुत ही हाल खराब है उधर।
अतिक्रमण की क्या स्थिति है बाहर, जो जो सामाजिक तत्व हैं उन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है? अतिक्रमण में ये पन्नी बीनने वाला का ज़्यादा अतिक्रमण है, और आए दिन आग जलाना। व्यापार पे फर्क पड़ रहा है कि इन सब चीज़ों का? बहुत फर्क पड़ रहा है। उधर तो आप देखो अवैध ऑटो वगैरह खड़ी कर रखी है, जाम कर रखा है पूरा, आने जाने में काफ़ी परेशानी। कुछ शिकायत की हो आपने अधिकारियों से? हाँ, उनको अवगत कराया परेशानी से, उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी दुरुस्त कर दिया जाए। शुभ नाम आपका? अनिल दीपचंदानी, जेपी मार्केट अध्यक्ष।